अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको चिकन मलाई हंडी रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पे बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है, तो आप इसे बहुत आसानी से अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करें, बहुत ही लजीज और बनती है। तो इसके लिए आप इंग्रेडिएंट नोट कर लें। सबसे पहले इसमें 1/2 kg मैंने चिकन लिया है, 1 बड़े साइज़ की टमाटर, इसको छोटा छोटा काट लें, 1/2 pack क्रीम का लिया है और 4 से 5 अदद ग्रीन मिर्चें ली हैं, इनको मैंने काट लिया है। ठीक है, और तकरीबन 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज जिसे चॉप कर लिया है, और इसमें 2 से 3 चम्मच दही के जाएंगे। ठीक है, दही यानी योगर्ट। तो चले आए इसे बनाते हैं। कढ़ाही में आप ऑयल को गरम कर लें, इसमें ठीक है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल गरम करने के बाद आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएं। फिर आपने इसमें चिकन को ऐड कर लेना है और चिकन को इतना पकाएं कि ये वाइट हो जाए, यानी अपना कलर चेंज कर ले। देखें व्यूवर्स, हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल के साइड पे रख लेंगे, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। व्यूवर, चिकन को मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में आप अपनी चॉप प्याज, चौकी हुई प्याज डाल देंगे। ठीक है, और इसे लाइट ब्राउन होने तक ही भुनाई करेंगे इसकी। इसमें मैं आपको एक टिप दूँ गाइस, अगर इसमें आप ऑयल की जगह पे घी इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, यानी कि टेस्ट ज़्यादा होगा। व्यूवर, जब आपकी प्याज इस स्टेज पर आ जाए तो आप इसमें ना टमाटर ऐड कर दें। ठीक है, जो हमने बारीक बारीक काटे थे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लें। गाइस, इसमें एक बात का और ख्याल रखें कि टमाटर के साथ ही आपने इसमें मसाला जात नहीं डालने। ठीक है, टमाटर को थोड़ा सा भून कर फिर इसमें मसाला जात ऐड करने हैं। व्यूअर्स, इसमें वही रूटीन के मसाला जात जाएंगे। 1 चम्मच रेड मिर्च ली है, सॉल्ट आप एज टू टेस्ट ले सकते हैं, और काली मिर्च ली मैंने 1/2 चम्मच, सूखा धनिया लिया मैंने 1/2 चम्मच, और ज़ीरा भी सूखा कूटा हुआ ज़ीरा लिया है 1/2 चम्मच। ठीक है, या अब हम देखें हमारे टमाटर, फीवर ज़्यादा, हम अपने मसाले सारे इसमें डाल देंगे। ठीक है, मसाला ऐड करने के बाद आप इसकी मज़ीद बनाई करें। इसके साथ ही ये जो हमने अपना चिकन थोड़ा सा फ्राई करके निकाला था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। दो मिनट तक हम चिकन की यूं ही बुनाई करेंगे ताकि मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। व्यूअर्स, हमारे चिकन की बुनाई हो चुकी है। ठीक है, इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच योगर्ट यानी दही के ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
व्यूवर्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि दही हमेशा स्लो आंच पे आप इसमें ऐड करेंगे ताकि फुटकियाँ वगैरह ना बने। दही ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऑलमोस्ट हाफ कप पानी का डाल के तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ठीक है, ये देखें, अब हम इसको ऊपर से कवर करके इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो व्यूवर्स, 5 मिनट हमने इसको पका लिया कवर दे के। ठीक है, देखें आप जो ये वाली लुक है इसकी। अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे अपनी, ठीक है, और ग्रीन चिली जो हमने काटी हुई थी वो डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, क्रीम ऐड करने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ठीक है जी, फिर जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए तो आप इसमें मेथी डाल के, और अगर आपको मेथी नहीं पसंद तो धनिया डाल के, सब्ज़ धनिया, तो आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। हमारी चिकन मलाई हांडी तैयार है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट में बताइए।